अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मेहना सादिक। आज हम बनाने जा रहे हैं वर्की समोसे। पहले हम आपको चिकन में आपको बनाना सिखा चुके हैं, कचौरी स्टाइल में, उसमें अलग अलग वर्क हो जाते हैं। और रमज़ान में आप लोग बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये बिल्कुल न्यू डिश है, आपको मज़ा भी आएगा, क्रंची भी हैं और थोड़े से हल्के से स्पाइसी। अगर आपको करना है तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 कप मैदा ले लिया है, ये हमने उसी के अंदर 2 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून हमने सॉल्ट डाला है, ये हम थोड़ी सी अजवाइन 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं, ये हम इसके अंदर घी डालेंगे ताकि हमारा अच्छे से, हमें ऑयल नहीं डालना है, ऑयल डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी। समोसे में हमेशा घी डलेगा ताकि हमारे समोसे में क्रंच आए। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखेंगे अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं, अगर बाइंडिंग हो रही है तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें और डालेंगे, देखें ऐसी हमारी बाइंडिंग होनी चाहिए। अभी हमने पानी भी नहीं मिलाया है तो ये हमारी अच्छे से क्रम कोडिंग हो गई है। अब इसके अंदर हम पानी डाल के हम आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि आपका आटा जो है खराब ना हो। चलिए जी, देखिए हमारा आटा जो है हमने गूंद लिया है और इसको रेस्ट पे हम आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, जब तक हम आलू बनाते हैं अपने। ये हमने आलू का सामान सारा ले लिया है समोसों का, तो आइए इसकी फिलिंग हम बनाते हैं अंदर। ये हम 2 टेबलस्पून ऑयल ले रहे हैं। चलिए हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा हम इसको सौते करेंगे, बस ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है हमें इसे। अच्छे से हम इसको सॉफ्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मटर को ऐड नहीं करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1.5 टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून हमने जो है हल्दी लिए और 2 टेबलस्पून हमने कोरिएंडर लिया है और इसको हमने कूट लिया है अच्छे से, दरदरा सा भुना जीरा कूटा है और ये हमने चाट मसाला लिया है। ये सारी चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने आलू ले लिए हैं, ये मेरे पास आलू हैं, इसको पोटैटो मैशर से हम इसको से हम इसको मैश कर लेंगे। ये हम इसके अंदर ग्रीन चिली डाल रहे हैं, 3 से 4 हमने चिली ले ली थी, कोरिएंडर डालेंगे। हमारा सारा आलू मिक्स हो गया मसाले में, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे आलू रेडी हो चुके हैं, अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम सारा निकाल लेंगे ताकि हमारा सारा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हम आपको समोसे बना के दिखाते हैं हमें किस शेप में बनाने हैं। चले जी, हम अपना आटा निकाल लेंगे। ये डो को हम अच्छी तरीके से सही से हम इसको सेट कर लेंगे ताकि ये फिनिशिंग में हो जाए। चलिए हमारी सेट हो चुकी है, इसमें से हम पेड़ा काट लेंगे, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल हम उसी तरीके से बनाएंगे।
ऐसे हम बना लेंगे। ये हमने एक पेड़ा ले लिया है, इस पर हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे। इसको हम अच्छे से डस्ट करेंगे ताकि जो है ज़्यादा भी हमें खुश्की नहीं लगानी है। इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। ये बर्की समोसा कचौरी है, तो ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोगों ने रमज़ान की कितनी तैयारी कर ली है, क्या क्या आप लोगों ने बनाया है, अपनी एक दिन की डिश में इसको भी ज़रूर शामिल करिएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है समोसा कचौरी। ये देखिए, अच्छे से हम इसको पूरा बेल लेंगे। ये हमने बारीक सा बेल लिया है और ये हमने घी ले लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में लाएंगे। इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें, क्योंकि हमें मैदा नहीं डालना। हमारे एक एक कचौरी की हमारी ताकि लेयर खुले। देखें, अच्छे से हमने इसको मिला लिया है ब्रश से या हाथ से, जिससे आपको आसानी हो उससे आप लगा लीजिए। ऐसे करके हम सारा लगा लेंगे। ताकि हमारी कोई जगह छूटे ना, ये हमने लगा लिए। थोड़ा सा हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम ऐसे, और फिर ऐसे हम ले लेंगे। इधर भी हम जो है थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे, इस साइड पे भी पेस्ट लगाएंगे थोड़ा, और थोड़ा सा हम इसमें डस्ट करेंगे। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे, अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ये वाला पेस्ट लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम हल्का सा डस्ट करेंगे और इसको हम रोल कर देंगे। देखिए, हमने रोल कर दिया है। अब हम इसको काट लेंगे बीच में से। ये देखिए, हमारी कितनी सारी लेयरें आ गई हैं। एक हम प्लेट ले लेंगे और इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। इस तरीके से हम इसको फ्लैट कर लेंगे और ये हम बीच में जो फिलिंग है इसी की जगह आप कीमा भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, बीफ का कीमा भी हो वो भी डाल सकते हैं। ये हम इसके अंदर डाल के बिल्कुल आराम से स्लो हाथों से इसको हम पूरा बंद करेंगे ताकि हमारी लेयरें ना खुलें। ये देखिए, हमारी समोसा कचौरी रेडी है। जब बनेगी तो आराम से सारी लेयरें खुलती जाएंगी। ऐसी हम अपनी सारी बना के रख लेंगे। चलिए जी, हमारी ये सारी रेडी हो चुकी है और बिल्कुल हमने हल्के ऑयल में बनाना है।
ताकि हल्की हल्की आंखें बनते रहे और सारे इसकी लेयरिंग खुद ब खुद इंशाल्लाह खुल जाएगी। देखिए सारी हम इसी तरीके से डाल देंगे, हमारी समोसा कचौरी जो है रेड बन के रेडी हो जाएगी। एक में हमारी इंशाल्लाह चार चली जाएंगी, पांच चली जाएंगी। अभी हल्की आंच पे पक रही है, हमारा ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म है। ये हल्के हल्के इसी तरह पकती रहेगी ताकि एक एक वर्क आराम से घुलता रहेगा और ये बिल्कुल क्रिस्पी और लेयरी बन जाएगी। अभी हम आपको और रेड होती है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी एक एक लेयर आराम से खुल रही है और हमें इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आराम से पहले एक साइड हो जाएगी, फिर हम आपको दूसरी साइड पे दिखाएंगे। चलिए जी अब हम निकाल के देखते हैं, हमारी रेडी हो चुकी है। और ये देखें एक एक पार्ट इसकी खुल चुकी है, लेयरिंग सारी खुल चुकी है, इतने अच्छे से रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे निकाल लेंगे। देख रहे हैं एक एक इसकी लेयर दिख रही है बिल्कुल, जैसे हमारे पैटिस की होती है बिल्कुल इसी तरीके से सारी लेयरें इसकी खुल चुकी हैं। देखिए अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। चलिए जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लच्छा कचौरी समोसा रेडी है और देखें कितनी लेयरिंग आई है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी है। अब हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं ये कितनी ज़्यादा इसकी लेयरिंग है। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये देखें एक एक इसकी लेयर इसकी जो है ना खुल गई है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देख रहे हैं इसकी एक एक लेयर कितनी खुली है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आप लोग भी रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर खिलाइए बना के, सब आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए।